पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। देर रात एक घर में छापा मारकर पुलिस ने रैकेट चलाने वाली महिलाओं के साथ सेक्स रैकेट में शामिल युवतियों और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। छतरपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट पर छापा मार कार्रवाई की है। देर रात पुलिस ने एक घर में छापा मारा तो वहां 3 युवतियां और 3 युवक मौके पर आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस सेक्स रैकेट का खुलासा करने के लिए एक युवक को ग्राहक बनाकर दुर्गा कॉलोनी में बने मकान में भेजा था। जब पुलिस को मिली शिकायत सही पाई गई तो पुलिस की टीम ने देर रात इस अड्डे पर छापा मारा। पकड़ी गई 2 युवतियां सेक्स रैकेट चलाने वाली महिलाएं हैं। ये युवतियों को मुंबई से बुलाकर सोशल मीडिया में व्हाट्सएप की मदद से युवतियों के फोटो दिखाकर उनके रेट तय करती थी और ग्राहक से सौदा करती थी। सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला के फोन पर शहर के नामी ग्रामीण लोगों के व्हाट्सएप नंबर और उनसे हुई बातों की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मिली है। सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेती थी, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। पकड़ी गई एक महिला 2016 में भी सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस ने पकड़े 3 युवक युवतियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी से लगातार एक शिकायत आ रही थी कि एक महिला अपने एकांत में स्थित मकान में लगातार सेक्स रैकेट चला रही है, जिसकी जांच करने पर यह मामला लगभग सही पाया गया। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसमें CSP सर, DSP महिला प्रकोष्ठ, DSP AJK और थाना प्रभारी द्वारा एक टीम बनाई गई और इस टीम द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई तो वहाँ पर 3 महिलाएँ आपत्तिजनक स्थिति में 3 पुरुषों के साथ पाई गई थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।